नगर निगम के चुनाव इस बार पार्टी सिंबल पर होंगे, ये घोषणा प्रदेश सरकार ने कर दी है, लेकिन मेयर के चुनाव सीधे नहीं होंगे। इस पर कांग्रेस और माकपा नेताओं ने भाजपा की चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अग्नि परीक्षा से बचना चाहते हैं, इसलिए वे नगर निगम मेयर के चुनाव सीधे नहीं करवा रहे हैं। उन्हें डर है कि उनका हाल नगर निगम शिमला की तरह फिर से ना हो जाए, इसलिए वे हर कदम संभल कर और डरते हुए रख रही है। सोलन में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से जब इस बारे में पूछा गया तो वे इस प्रश्न पर पूरी तरह से तिलमिला गए और विपक्ष को छोड़ मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकालने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की है, वहीं उपचुनावों में भाजपा विजयी रही। अन्य राज्यों में भी भाजपा जीत हासिल कर रही है। जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं वे इन अन्य राज्यों में नतीजों के बाद कहीं नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वे 3 बार शिमला से जीत हासिल कर चुके हैं, इसलिए डरने और अग्नि परीक्षा की कोई बात नहीं है। अन्य चुनावों की तरह नगर निगम के चुनावों में भी कांग्रेस के हाथ केवल हार ही लगेगी। पर अगर बात करें जी कांग्रेस की और जो माकपा की है, उन्होंने साफ आरोप लगाया है और ये बताया कि जो मैं अपनी बात कर लूं आपके आरोपों के, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो मीडिया का नेगेटिव रिपोर्टिंग में होता है, ये आप मेरा कर सकते हैं आप इसमें। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने आरोप नहीं लगाए, आरोप ये लगाए हैं कि जो भाजपा है अग्नि परीक्षा देने से डर रही है। डायरेक्ट जो मेयर के जो चुनाव होने चाहिए थे वो डायरेक्ट नहीं हुए हैं, उसमें जो जयराम जी है उनका भी फर्स्ट टेन्योर है और आपका भी, और इसलिए अग्नि परीक्षा डरने से जो भाजपा डर रही है। ठाकुर जयराम जी जो है 5 बार लगातार जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उस क्षेत्र से आए हैं, जो क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के जमाने में करम सिंह जी जो है रिप्रेजेंट करते थे, और मैं शिमला जैसे शहर से जहाँ पर जो है वो कोई भी व्यक्ति आपको बिना पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा, उस शहर से 4 बार जीता हूँ और 3री बार लगातार एकदम, एक बार पहले जीता था फिर मैं राज्यसभा चले जाया था, उसके बाद शिमला से लगातार जो है वो 3री बार जीता हूँ, तो इसलिए पहली बार का कोई मतलब जो है या आपको मिस इन्फॉर्मेशन है या आप जो है जानबूझ करके प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए पहली बार मंत्री बनना जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। मंत्री या मुख्यमंत्री, आज 3 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के रहते हुए हिमाचल प्रदेश में 4ों लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है और 68 की 68 कंस्टिट्यूएंसीज में जीती है, और उसके बाद जो है वो पंचायती राज चुनावों में 11 में से 2 को छोड़ करके 9 में जिला परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और 81 में से जो है वो मोर देन 69 पंचायत समितियां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है विजयी रही है, अब ये 4 नगर निगम के चुनाव, 6 नगर परिषदों के चुनाव, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जैसी आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपके दोस्तों ने सारे हिंदुस्तान से लिखा है, गुजरात में जो आपके आरोप लगाने वाले दल हैं वो 0 पर चले गए हैं, 0 पर, वहाँ पर सबकी सब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी विजय रही है, हिमाचल में भी ऐसा ही रिपीट होगा, इसलिए पहली बार मंत्री बनना जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। मंत्री या मुख्यमंत्री, आज 3 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के रहते हुए हिमाचल प्रदेश में 4ों लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है और 68 की 68 कंस्टिट्यूएंसीज में जीती है, और उसके बाद जो है वो पंचायती राज चुनावों में 11 में से 2 को छोड़ करके 9 में जिला परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और 81 में से जो है वो मोर देन 69 पंचायत समितियां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है विजयी रही है, अब ये 4 नगर निगम के चुनाव, 6 नगर परिषदों के चुनाव, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जैसी आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपके दोस्तों ने सारे हिंदुस्तान से लिखा है, गुजरात में जो आपके आरोप लगाने वाले दल हैं वो 0 पर चले गए हैं, 0 पर, वहाँ पर सबकी सब नगर निगम में
भारतीय जनता पार्टी विजय रही है, हिमाचल में भी ऐसा ही रिपीट होगा।